तकरीबन 20 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी मेरा तर्फ यही है कि मैं मियां मोहम्मद अब्बास शहीद सब इंस्पेक्टर का बेटा हूँ। ये बेहतरीन मिसाल है कि शहीद कभी मरते। आज भी उनका नाम उसी तरह जिंदा है जिस तरह आज से 20 साल पहले था। मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि मैंने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। ये पुलिस की योद्धा शुदा है, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ। मेरे वाले साहब ने भी जामे शहादत नोश किया, एक शहादत हुई तो यहाँ आके मुझे एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है। मेरे वाले साहब जब शहीद हुए उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल के करीब थी। हम लोग 4 बहन भाई थे और सारे छोटे थे। मेरी उम्र उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 10 साल के करीब थी। मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरी वालदा ने बड़ा वाइस और बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने कहा मैं गांव वापस पाकपतन शरीफ नहीं जाऊंगी और यहीं पे अपने बच्चों का ब्रॉटअप और एजुकेशन कंप्लीट करूंगी। पुलिस फोर्स ज्वाइन की और एज एएसआई मेरी अपॉइंटमेंट हुई। एएसआई के बाद मैं सब इंस्पेक्टर के ऊपर तरक्की याब हुआ और अब मैं इंस्पेक्टर के ऊपर अपने फर्ज अंजाम दे रहा हूँ। मेरी फैमिली में भी मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरी मिसेज है, उनकी भी बहुत सारी रिजर्वेशन हैं इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि एक ऑलरेडी हम एक जो है शहादत अपने घर पे दे चुके हैं और दूसरी वो बड़े कई दफ़ा इस चीज़ में परेशान होते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बायस इत्मीनान बात है कि मैं अपने फ़र्ज के मंसबी जो है बड़ी मेहनत से और अपनी पूरी सलाहियतों के मुताबिक अंजाम दे रहा हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी हमें इज्जत बख्शी और हमारे घर तशरीफ़ लाए और मेरे वालिद की शहादत को एक्नॉलेज किया। जहाँ तक हॉबी का तल्लुक है, लव ट्रैवलिंग, ईटिंग, ट्रैवलिंग का मुझे